अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, अभी ना मैं अपनी वीडियो में सुबह ही डालनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ी सी सेट हो जाऊं और आप लोगों को बताने लायक हो जाऊं। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली जो 2 दिन से इशू चल रहा है। देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम ये किसी के अगेंस्ट है तो हम भी उनके अगेंस्ट हम भी वही चीज़ सोचें। हम किसी ये किसी के सपोर्ट में है तो हम भी उनके ही सपोर्ट में जाएं। कल मैंने ये जो मोहतरमा थी अपनी वीडियो में, इन्होंने कुछ अजीब सी बातें बोली थी कि ये सितारा के बच्चे नहीं हैं और सितारा की माँ को जो है अला फला जो भी है, इन्होंने ऐसी बातें बोली। तो हमने उसी पे रिएक्शन दिया ना, मतलब कि नहीं बोलना चाहिए। ये बात अलग है, ये बात चले मान ली कि जो है मैंने इनका नाम टाइटल यूज़ किया और इनकी मैंने एक छोटी सी पिक लगाई थी, उस पर मैंने स्माइली लगाई थी और मेरे इतने ज़्यादा कोई व्यूज़ भी नहीं आए थे। उस हिसाब से जैसे आते हैं 900 तक मेरे पहुँच जाते हैं, मेरे आई थिंक के मेरे 300 थे या 400 थे। तो देखें, जो भी कोई इशू था ना, तो ये बोल सकती थी ना मुझसे पहले। मतलब एक इखलाक की भी बात होती है। एक बंदा जो है बोल दे के भाई आप इसको हटा दे, मेरा टाइटल क्यों आपने यूज़ किया है या मेरी वॉइस क्लिप क्यों आपने यूज़ कर ली है। वो सही है, इनकी गलती, इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। थंबनेल किसी का पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन क्या आप भी वही काम कर रहे हैं? आप लोग मुझे बस ये बताइए। इनका मैंने टाइटल लगा दिया नाम, सही है, और इनकी पिक्चर पे मैंने इतनी बड़ी सी स्माइली लगा दी थी, तो इन्होंने मुझे उस चीज़ पे स्ट्राइक दी कि मैंने इनका टाइटल यूज़ किया है। आप ये बताएं कि ये कितनों का टाइटल यूज़ करती हैं? हम लोग खुद ले लें, हम लोग क्या सितारा का टाइटल, सितारा का नेम यूज़ नहीं करते? सितारे की पिक्चर्स हम लोग नहीं यूज़ करते? उस बंदी ने तो हमें अभी तक स्ट्राइक नहीं दी। चले, वो तो बहुत बड़े जर्फ की सर्फ वाली है, सही है। अगर वो देने पर आए तो बहुत सारे लोगों के चैनल उड़ सकते हैं। अभी 1 महीने पहले मेरे पे कितनी वीडियोस बनी है। जिसने मेरे पे वीडियोस बनाई होंगी वो उनको पता होगा कि मेरी पिक्चर्स भी यूज़ की गई हैं और मेरे नाम भी। चाहती तो मैं भी जो हूँ दे सकती थी स्ट्राइक, सबको दे सकती थी, लेकिन हर एक चीज़ का एक तरीका होता है ना। मतलब आप एक इन्फॉर्म कर दो बंदे को कि यार आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने मेरा नाम यूज़ किया है और आपने मेरी वॉइसेस यूज़ की है, आप इसको ट्रिम कर दो, मैं आपको स्ट्राइक नहीं दूंगी, और अगर आपने नहीं करी तो मैं आपको स्ट्राइक दे दूंगी। लेकिन अचानक से ये स्ट्राइक दे देना और 15 मिनट के बाद फौरन दूसरी स्ट्राइक दे देना। चलो आपने, चलो इस चीज़ को भी छोड़ दो, सही है, आपने अपनी वीडियो में दे दी स्ट्राइक, लेकिन बाकी के 15 वीडियोस पे आपने क्लेम किया। उसके बाद जो है अजीबोगरीब तरीके से कि निशु खान की पिक्चर क्यों लगाई है, निशु खान के उस पर भी क्लेम किया, आसिम मलिक का नेम यूज़ किया उस पर भी क्लेम किया, और इसके अलावा आप लोग सब देख चुके मेरी पोस्ट पर कि किस किस चीज़ पर इन्होंने जो है ना मुझे क्लेम भेजा, स्ट्राइक कितने पे भेजी है। मेरे ख्याल से इन्होंने मुझे 3 स्ट्राइक्स दी है। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि इन्होंने मुझे स्ट्राइक, मुझसे लोग बोल रहे हैं कि 3 स्ट्राइक पे तो चैनल आपका उड़ जाता है, ये मेरा चैनल शायद रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो मैंने दूसरा चैनल पे आई, हो सके तो मैं दूसरे चैनल पे ही अपनी वीडियो लगा दूंगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मतलब आप अपनी वीडियो में किसी के भी बारे में, किसी की भी जात पे उल्टी सीधी बातें कर दो, ठीक है, लेकिन जब बात आती है आप लोगों की जात पे, आप लोगों को बुरा भला कहा जाता है। बुरा भला तो खैर हमने किसी को भी नहीं कहा, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी को बुरा भला कहा हो। जब आप पर बात आती है तो आप स्ट्राइक ही देते हो, इस तरीके से करते हो। मतलब एक बंदा इतनी मेहनत से ही चैनल को ग्रो करता है, उसको चलाता है, आप लोगों पे बात आई तो आप लोगों ने धड़ाधड़ सबको स्ट्राइकें देना शुरू कर दी, सबके चैनल उड़वा दिए। कितने लोग अभी सामने नहीं आए हैं जिनके चैनल उड़ चुके हैं। मैंने इनको रात में बोला, इनके साथ मैं रोती रही, मैंने इनको बोला कि आपकी वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, ठीक है, अब आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लो,
इन्होंने मुझसे बोला कि मैंने वाइटी से नहीं दिए, मैंने सॉफ्टवेयर के उससे दिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का, आपकी वीडियो ना मैंने डिलीट कर दी है, आप जो हो ना अपनी स्ट्राइक वापस ले लें, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बहुत मुश्किलों से, ना मैंने किसी ग्रुप में काम किया, ना मैंने सब टू सब किया, कुछ भी नहीं किया, जबकि मेरी दोस्तें बोलती भी थी कि आप वॉच टाइम ख़रीद लो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ख़रीदने वरीदने से कुछ नहीं होता। मैंने इनसे बोला कि आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लें, उन्होंने कहा अच्छा वेट मैं देखती हूँ। मैंने कहा कि ये अपनी स्ट्राइक वापस ले रही होंगी। उसके बाद जब मैं दोबारा वाईटी पे जाती हूँ तो भाई पता चलता है कि 15 वीडियोस पे क्लेम आया हुआ है, सही है, रेड रेड हुआ हुआ है और एस पर जो है ना स्लैश आया हुआ है, मोनिटाइजेशन ही नहीं रुक गई है। उसके बाद दो दूसरी स्ट्राइक भी आ जाती है। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार आपने देखे दूसरी स्ट्राइक भी दे दी, आप थोड़ा तो ख्याल कर लें, मेरा चैनल खतरे में आ गया है। जो जो चैनल वाले होंगे उनको पता होगा कितनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। इस बंदी ने ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया, ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया। फिर मैंने इनके कमेंट्स में जाके इनको बोला कि आप मुझसे बात करें इंस्टाग्राम पे, मैं इनको कॉल पे कॉल करती गई करती गई, लेकिन इन्होंने नहीं किया था रिप्लाई। उसके बाद जब इन्होंने बोला कि मैं देखती हूँ तो मैंने देखा कि 15 वीडियो पे मेरी क्लेम आया हुआ है। इन्होंने कहा जिस जिस पर आ रहे हैं ना उन सबको डिलीट कर दें। पहले तो मैंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला कि आपने डिलीट कर दी, इससे तो आप खुद जुर्म साबित हो रही हो कि आपने गलती की तो आपने डिलीट कर दी, आपको डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा मुझे इतना नहीं पता था। इन्होंने मुझसे कहा कि आपका चैनल, आपके चैनल को कुछ भी नहीं होगा, आप बस जो है ना जो वीडियो रेड हुई है ना उसको डिलीट कर दें। मैंने डिलीट कर दी। फिर जब मैंने देखा कि एक के बाद एक वीडियो पे वीडियो रेड होती जा रही है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये चीज़ तो गलत है, आप जो है सारी वीडियोस को पे मेरा क्लेम दिए जा रही हैं, अब मैं क्या सारी वीडियोस डिलीट कर दूं? फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक टीम वर्क है। मैंने एक जो हमारे भाई और भाभी हैं उनके ऊपर मैंने एक फ़नी वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने उसका भी बोला कि इन्होंने इसकी पिक्चर यूज़ करी है, दोनों जो सोफे पे बैठे रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो है निशु खान की पिक्चर लगाई है उस पर भी, भाई निशु खान का कंसर्न वो अपने उससे रखे, आप कौन होती हो बोलने वाली के इन्होंने निशु खान की पिक्चर यूज़ करी। ये तो सरासर एक दुश्मनी नज़र आ रही है ना, एक दुश्मनी नज़र आ रही है कि भाई इस बंदे ने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया है तो अब हम इसका चैनल जो है ना रहने नहीं देंगे। तो ठीक है, देखें रिस्क देने वाली जात ना अल्लाह की होती है। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे, कोई खाने पीने की परेशानी नहीं। ये चैनल तो मैंने जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, लेकिन इस तरीके से होगा मेरे साथ मुझे ये पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि जब तक इन लोगों के कहने पर चलोगे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़रा सा इनके खिलाफ हुए तो अब आप लोगों के सामने है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं इनसे बस ये बोलूँगी कि आपका कंसर्न आपकी वीडियो से था, ठीक है आप अपनी एक स्ट्राइक करती ठीक है, लेकिन जब आपकी वीडियो मैंने डिलीट कर दी आप उसको ले भी सकती थी, लेकिन बाकी की जितनी भी वीडियोस पे आपने स्ट्राइक दी इससे तो सरासर ये बात साबित होती है कि आपने अपने दोस्तों की जो है दोस्तों का मुझसे बदला लिया है। लेकिन मेरे इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं, ये चैनल वैनल सब गया भाड़ में। जहाँ अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिखा है, अगर मुझे मेरे इस चैनल से मिलना होगा मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं ना वो ना करें, आप लोग बहुत पछताएंगे, सपोर्ट करके आप लोग फंस जाएंगे, आप इनसे फ्रेंडशिप करके इनके ग्रुप में शामिल होकर आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग अलग नहीं हो सकते। मैं इनसे अलग हुई जबकि मेरा इतना इनसे कोई लगाव नहीं था, ना इनसे इतनी कोई गहराई में बातें होती थी कि आज क्या वीडियो बनानी चाहिए आज क्या वीडियो बनानी चाहिए, मेरी सिर्फ हाय हेलो थी। इन्होंने ये बात बोली है कि
मुझसे माफ़ी मांगो और अपनी ये पोस्ट डिलीट करो, तो जो है ना मैं अपनी स्ट्राइक्स वापस ले लूँगी। तो मुझे ऐसी माफ़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मांगनी है इनसे माफ़ी। हाँ ये है कि ये ज़रूर मैं कंसीडर करती हूँ, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि हमने कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ गए, लेकिन ये चीज़ें भी वो बंदा करे ना कि जिसने जो है खुद ऐसी कोई वॉयलेशन ना की हो। आप लोग खुद तो जो सितारे के इतने टाइटल यूज़ करते हो, सितारे के टाइटल पे भी, सितारे के नाम पे भी मुझे स्ट्राइक मिली है कि सितारा का नाम यूज़ किया है, तो क्या आप सितारा का नाम यूज़ नहीं करते हो? मुझे पता है कि मुझे फेक स्ट्राइक मिली है, और अगर मेरे नसीब में मेरा चैनल होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। माफ़ी मांगने से, स्ट्राइक वापस लेने से इनके क्या वो चीज़ वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। ये मुझसे बोल रही है कि माफ़ी मांगे ये मुझसे, और अपनी जितनी भी पोस्ट जो मैंने लगाई है वो सब डिलीट करें। मैंने इनको बोला कि आपने एक वीडियो पे दे दी हानिया शाह के नाम से, उन्होंने कहा हाँ मैंने एक ही वीडियो पे दी है, बाकी की स्ट्राइक मैंने नहीं दी है। अब हानिया शाह इन्हीं की आईडी है, और सारी आईडी पे जो जितने भी जीमेल है ना वो सब एक ही जीमेल है। अब हानिया शाह इन्हीं का नाम होगा, हानिया शाह के नाम से इनकी वीडियो पे जो मैंने इनके वीडियो का टाइटल यूज़ किया है उस पे स्ट्राइक आई है, और हानिया शाह के ही नाम से बाकी वीडियोस पे भी स्ट्राइक आई है, बाकी वीडियोस पे भी क्लेम आया है। और ये बंदी बोल रही है कि मैंने सिर्फ एक ही वीडियो पे स्ट्राइक दी है, तो बाकी की जो हानिया शाह है वो कौन है? और इन्होंने सिर्फ ये काम मेरे साथ नहीं किया है, और लोगों को भी इन्होंने तो डायरेक्ट मुझे स्ट्राइक ही दी है ना, बाकियों को इन्होंने जो है वो दिए, शायद रिपोर्ट वगैरह भेजी है इन्होंने, फॉर्म वगैरह भेजा है कुछ इस टाइप का कि हमारी जो वॉइसेस चलाई थी या हमारे बारे में कोई हेट स्पीच, देखिए हेट स्पीच करी है मैंने, हेट स्पीच करी है। और आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि ये बच्चे सितारा के नहीं है, इनको जो है सितारा नहीं, इनको सितारी बोलो, और इनकी अम्मी को बिल्लो रानी बोलो, और इससे पहले आप लोग सुन चुके चैनल्स पे कि इनकी अम्मा के, इनकी अब्बा के सारे शजरा नसब सब कुछ जो है चला दिए, और उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया है। और मैंने इनकी ऐसी क्या पिक्चर लगा दी, आप लोगों ने क्या सितारे की किस तरीके की पिक्चर्स नहीं लगाई हुई होती अपनी लाइव में, अपने चैनल्स पे, अपनी थंबनेल्स पे? तो आप लोग खुद तो पहले अपने गृहवान में झाके, फिर आप हम पे एलिगेशन लगाए ना, कि फिर हम भी मानेंगे कि जी हाँ हमसे गलती हो गई, हमने आपका टाइटल, आपकी पिक्चर यूज़ कर ली। पिक्चर तो वैसे मैंने यूज़ ही नहीं करी है, सिर्फ मैंने बात की। अगर आपको प्रूफ चाहिए मैंने जो अपनी वॉइसेस चलाई हैं और इनके जो मेरे से चैट हुई, तो मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे, वैसे तो मैंने सारी पोस्ट जो है लगा दी है, स्क्रीनशॉट भी करके मैंने अपने पास रख ली है, हो सकता है कि इन्होंने रिमूव कर दिया। मैंने अभी तक अपना इंस्टाग्राम, मुझे मेरा ही कोई होश ही नहीं था कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया, एक के बाद एक सारे तीन स्ट्राइक्स आ गई, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। बहरहाल ये तो मैं इनसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगी जो ये सोच रही है कि मैं इनसे माफ़ी मांग लूँ। फेक स्ट्राइक दिए ना, अब आप प्रूफ करें कि मैंने आपको क्यों दिए मैंने स्ट्राइक। मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दिल से तो कीजिएगा, और अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं इधर पलटती हूँ या उधर पलटती हूँ तो ये आप लोग की मर्ज़ी है। और ये है कि बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग जश्न भी मना रहे होंगे, तो ये अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह ताला सबको देख रहा है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, मुझे डराया गया, धमकाया गया, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने लाई थी, इसके अलावा मैंने क्या गलत किया था? बस ये कि अपने रिव्यूज़ में कंटिन्यू रखूँगी और रिव्यूज़ में लाजमी दूंगी, जहाँ जो बात सही लगेगी वो मैं दूंगी, वो करूँगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।